नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते खोल दिए और इस बात का संकेत दे दिया कि बैठक में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पक्ष में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए निकले थे और चाहते थे कि इस बैठक में वे पार्टियां भी साथ आएं जो कांग्रेस की धुर विरोधी हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही ऐसे हैं जिनकी कांग्रेस से पटती नहीं, इसलिए ममता बनर्जी ने तो पहले से ही कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दे दी और बंगाल में मैदान खाली करने को कहा। अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से कांग्रेस को ऑफर दे दिया है, कांग्रेस दिल्ली और पंजाब से चुनाव नहीं लड़े तो वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ने जाएंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब तो छोड़े ही, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा में सीटों का बंटवारा करे। मतलब कि ममता के प्लान पर अरविंद केजरीवाल ने अपना कदम बढ़ा दिया। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। जब सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट काटेंगी तो एक साथ आने का क्या मतलब, इसके जवाब में भारद्वाज ने कहा कि 2015 और 20 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती है। उन्होंने ही कहा कि कांग्रेस अगर ये कह दे वह पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पार्टी में न सिर्फ लीडरशिप की क्राइसिस है बल्कि आइडिया की भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस तरह से खत्म हो गया है, उन्हें ये तक नहीं पता कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब देश की सबसे नई पार्टी से आइडिया और मैनिफेस्टो तक चुरा लेती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सारे मैनिफेस्टो झूठे होते हैं इसलिए हम इसे गारंटी कहते हैं। अब कांग्रेस ने इस शब्द गारंटी तक को चुरा लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी पहली बार ये बात लेकर आई कि दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पर लोगों को बिजली देंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा विरोध किया था। The report, News of India.